बैठे हो दादी के पास। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने बहुत टाइम बाद डिसाइड किया कि मैं आज एक ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। एक साल होने वाला है, एक साल के बाद मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जब मुझे लगा कि नहीं, इसको कैप्चर करना चाहिए। सो ये भी एक स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए हम कानपुर जा रहे हैं। हम सब कानपुर में इकट्ठा हो रहे हैं, अपने होम टाउन में इकट्ठा हो रहे हैं, और एक बार फिर घर में बिल्कुल वैसा ही माहौल होने वाला है जैसे किसी शादी ब्याह के फंक्शन में घर पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, थोड़ा जमवाड़ा लग जाता है। वैसे ही ठीक आज के जिस ओकेजन के लिए हम कानपुर जा रहे हैं उसमें भी घर में उतनी ही भीड़ होने वाली है। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि बुआ की आई थिंक कोई फ्रेंड आई है जो कि बुआ प्ले का रिहर्सल कर रही हैं उनके क्लब में, उनके ONGC का जो वुमेन्स क्लब है उसमें आई थिंक कोई प्ले होने वाला है एनुअल फंक्शन टाइप का, उसके लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अभी मैं बना रही हूँ ब्लैक टी, तो फटाफट से मैं वो बनाती हूँ, वो निपटाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फाइनली इतना बड़ा जो कपड़ों का ढेर है उसे मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। जो भतीजा है उसकी छठी होने वाली है, 6 महीने का हो गया है। 6 महीने के बाद और 6 महीने के पहले बच्चे की छठी की जाती है जिसके लिए हम अपने होम टाउन कानपुर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमारा घर है। तो फटाफट से मैं अपनी पैकिंग करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ये जो कपड़े हैं इनमें से 70% कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ माई वेट तो मैं मोटी हो चुकी हूँ और उस वेट को कम करना है मुझे। बट अभी फ़िलहाल मुझे ये देखना पड़ेगा इनमें से कि कौन सा मुझे फिट आता है, मैं वही वहाँ लेके जाऊँगी। और मुझे थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ मैं क्या पहन सकती हूँ, कि मुझे ये भी फ़िल्टर करना है इनमें से। तो फटाफट से पैकिंग करती हूँ, उसके बाद आपसे रात में मिलती हूँ ट्रेन में सबके साथ। ये कौन है बच्चू? बच्चू बच्चू ये है हमारे डोको की पहली ट्रेन जर्नी। चार ट्रैक अभी मैं खिलाओ खिला रहता है हो क्या काम नहीं है। अरे यार छोड़ो, लो 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 खा लो, ये लग जाएगा उसके पीछा छोड़ो। आर्टिकल 10 में पोस्ट किया था मैंने, वो आ गया था, और ईशू में पोस्ट किया था वो भी आ गया, और साउंड में पोस्ट किया था साउंड क्लाउड में उसको भी मिल गया। लेकिन साइड नहीं आ रही है। कानपुर सेंट्रल सीतापुर सिटी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल। टेस्टी बहुत होता है डोको का दूध। ये है हमारे प्यारे पेड़, वो देखो भैया झाड़ू लगा रहे हैं सड़क पे। भैया अपने घर की बात थोड़ी डिफरेंट तो होती है, देखो भाई सीधी बात है ना, ऐसा लग रहा है ग्रीनरी ज्यादा हो गई है अब। देखो वो जो पिंक वाला पेड़ है ना, वो पहले इतना बड़ा नहीं था, है ना। और ये गुड़हल भी अंकल का बड़ा हो गया है, और ऊपर से अंकल के पेड़ ज्यादा बड़े, इन्होंने कटिंग नहीं करी ऐसा लग रहा है। अपना भी तो बड़ा हो गया, हमारा ये वाला कितना बड़ा हो गया, ये याद है, ये याद है कितना छोटा था पापा के टाइम पे। पापा के टाइम पे ये वाला पेड़ तो पिद्दू सा था, कितना बड़ा हो गया। ये गुड़हल देखो कितना बड़ा हो गया है। एक्चुअली पता है गुड़हल की कटिंग करनी होती है, पापा कटिंग करते थे, है ना। अब ये पेड़ झाड़ जैसे हो ना, झाड़ जैसे बड़े हो गए हैं, वो चीज़ हो गई है। भाई अपने घर से ही हमारा व्यू है हमारी बालकनी से,
और काफी अच्छा और काफी सुंदर बादल लग रहे हैं। नया नया दिख रहा है ना। और वहाँ पे दो कमरों होती है, तीन कमरों के बीच में रेंट और दादी की गोद। अरे डुगू जी बगल में दादी से कितने गौर से देख रहे हैं। कनी से बढ़िया वहां से पूरी पूरी कॉलोनी के बाहर की वो दुकानें दिखती थी, सब एरिया दिखता था। पता नहीं आज 6 मंजिला दी को मंजिल खड़ी कर दी, घर बन रहा है बताओ, अंडर कंस्ट्रक्शन कर दिया। अभी हमारा आंगन किसी काम का नहीं रह गया, बस आंगन में ऊपर छत से रोशनी आएगी, बस आंगन में छत से रोशनी, बाकी सब पूरा बंद कर दिया है। ये है हमारा मंदिर, सीलन आ चुकी है। ये हमारा एक रूम, ये हमारा दो रूम, यहाँ पर दादी जुगू, दादी मम्मा पापा सब खेल रहे हैं। जाओ दादी के पास, इसने नया 2 दिन से सीखा है इस तरह से। हाँ। क्रॉलिंग कर रहा है। कोशिश कर रहा है, लग गया फिर अभी वो ना हाथ सीखा नहीं है, हाथ बढ़ाना नहीं सीखा है। ये देखो लग गए, मछलाओ क्या है, वो पैर छू रहा है तुम्हारे, देखो पैर छू रहा है तुम्हारे, देखो ये देखो पहुंच गया, कहा घुसा चला जा रहा। पेटे पेटे। अभी सीखा है 2 दिन से, देखो ना काम निकालो के वो हो जाए, जगह नहीं मिल रही है, जा रहे तुम जाओ, तो हाथ में है इतने ही नहीं पाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। हाँ ये है हमारा ड्राइंग रूम एंड ट्रेडिशनल टाइप का ड्राइंग रूम है अपन का। झाड़ू मुझे नहीं पता, चाचा को पता होगी। देखो जिम में सब ठीक है, यूनिस आजकल सिर्फ वुमेन्स जिम ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगी। सब सूर्य उदय हो रहा है देखो इस खंबे के पीछे। क्या बहुत ही ब्यूटीफुल, और एक इसकी वो भी ले लेना, क्या नाम है, खंबा है बीच में। अरे कोई बात नहीं, पहले वीडियो लेने के बाद एक खंबे साथ में से ले लेना। वीडियो बना रहे हो क्या? बना लिया, बना लिया, आप ही दूर कर लेना। तुम वीडियो बना रही हो? आज मैं मीठी है चाय ना, मैंने एक्चुअली चाय में अंदाजा से चीनी डाली थी, और पराठे में जितना भी नमक अजवाइन का पराठा बनाने के लिए जितना भी मसाला था उसमें मैंने सारे मसाला डाल दिए। हाँ तो डालने के लिए पूरी, इनको देखो ये लबरिया रहे हैं, खा मैं रही हूँ लबरिया ते ये, और क्या बेचारा भूखा है ना। हाँ बच्चू पहली बार, ये देखिए जरा डुगू हमारे क्रॉलिंग करते करते पूरे बिस्तर पे नाच रहे हैं। अरे बेटू आओ, आ जा, निन्नी आएगा, आ निन्नू आएगा, सो कहाँ रहा है, सो ही नहीं पा रहा, कच 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 कच। ये हमारा कचरा निकालो अभियान चल रहा है, इस घर को साफ करना है। बैठे हो दादी के पास? बस फिर बोलेगा वो तारापुर वाली दादी, फिर वो वहां वाली दादी, कानपुर वाली दादी, फिर वो अपनी दादी, फिर वो नोएडा वाली दादी, ऐसे रहेगा। असूची क्या हुई बुआ है? बुआ ना नहीं होता, दही ले लो ना, हवा हवा दही है ना। डुगू तुम भी तले भी खा रहे हो क्या? अब वो खुरखुरा रहा, पैकेट नहीं छोड़ रहा है। दादी पूजा करने गई है, देख कैसे हाँ।
ये शुगर पेशेंट समोसा खा रही है। ये कौन सी मछली है जो तैर रही है? आप देखो अब आगे का बढ़ता है ना, जब हाथों से करके उसे खिसक नहीं पाता चिकन की वजह से। तो फाइनली रात के बज रहे हैं 11 और ये देखिए यहाँ पे कॉल चल रही है। वो रे बाबा और वो रे पापा, ये प्रीति, ये रही मैं, ठीक है। एंड अभी रात के बज रहे हैं 11। डिनर पे हमने खाया है लौकी की सब्जी और रोटी विथ 2 ग्रीन चिली, ज़्यादा हो गया, हिंदी में बात करते हैं, 2 हरी बड़ी बड़ी मिर्च के साथ। एंड अभी 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी पी है मैंने, भाभी ने भी पी है, क्योंकि जब ऐसे ही होता है घर में कुछ होता है, लोग आते हैं तो खाने पीने के आइटम्स भरे पड़े रहते हैं और बस खाते रहो और खा के मोटे होते रहो, यही हमारा रूटीन है। अभी इसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो जैसे बाकी घरों में होता है फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है ना किसी रीजंस की वजह से, सो वैसे ही कुछ ऐसा हो चुका है इस टाइम पे। और हमारे घर में लोग थोड़े ज़्यादा हैं, सो सोने का थोड़ा सा सिस्टम देखना पड़ेगा। एंड बाकी सब तो एडजस्ट हो गए हैं, सिर्फ मैं और भैया एक्स्ट्रा पीसेस में हैं। सो मैं और भैया अभी देख रहे हैं कि हम कहाँ लेटने वाले हैं। एंड जैसा मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत टाइम बाद, ठीक है, लिटरली मुझे याद भी नहीं होगा जब मैं बहुत छोटी थी एंड जब वो लकड़ी वाली चारपाई होती थी ना, उस टाइम पे हम लकड़ी वाली चारपाई छत पे डाल के मच्छरदानी लगा के सोते थे। ठीक वही चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं, बट हम चारपाई नहीं डालेंगे, हम बेड गद्दा ज़मीन पे डालने वाले हैं। एंड वो जो आजकल नई तरह की मच्छरदानी चली हुई है ना, जो आप सिर्फ जिप कर देते हो और वो मच्छरदानी क्लोज हो जाए, वो वाली मच्छरदानी लेके मैं और भैया टेरेस पे सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में। एंड मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद में जो टेरेस का नज़ारा होने वाला है, जो ऊपर आंखें खोलते ही सुबह आसमान दिखने वाला है, वो मैं आपके साथ कल मॉर्निंग में शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। एंड आज का दिन काफ़ी अच्छा हुआ, आज हमने काफ़ी ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ को वापस से रिकॉल किया, बहुत अच्छे से इंजॉय किया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ये हमारी मच्छरदानी लग चुकी है, बेड बन चुका है और भाई साहब रात की रोशनी, चांद की रोशनी के नीचे हम सोने वाले हैं। सो रात में ठंड लगने वाली है, सो डेफिनेटली रात में ठंड लगने वाली है। एंड रात की ठंड, चिल ठंड, बहुत समय बाद मैं छत खुले आसमान के नीचे सोने वाली हूँ, अराउंड 5-6 साल हो चुके होंगे। सो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।